फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अभी हम क्रॉस करके आए हैं इस टनल को, इसे क्रॉस करने के बाद जो हालत होती है हमारी वो आप यहाँ पे आके देखें। Do you enjoy Afghanistan? Yes, I do. It's beautiful. Afghanistan is very beautiful. Yes. How much? Huh? How much? Very beautiful. Very. Very good. Yeah. Okay, let me go now. Stay here. लें जी, सालंग पास में एंट्री से पहले आपकी चेकिंग एक होती है बड़े अच्छे तरीके से, और वो चेकिंग हुई है तो वो सारे वहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। तो दिस इज इनफेमस सालंग, ये सालंग वैली है और अभी इसके बाद आएगा सालंग पास या सालंग टनल, जो कि बहुत ही मशहूर भी है क्योंकि ख़तरनाक बहुत है, बहुत ख़राब है। उसके मैंने पिछले साल भी किया था आते हुए, पर अभी इंशाल्लाह जो है उसके सही तरीके से उसे कवर करेंगे। आपको मैं अभी करना चाहता हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्मी है और सालंग पास के ऊपर जाके वहाँ पे हो जाती है फिर ठंड, और फिर मुझे सारा जो है ना अपना जो है सारी वेदर लेयर वो नहीं निकालनी पड़ेगी। तो प्लान तो मेरा पहले यही था कि मैं सुबह जो है ना वहाँ से रात में वहीं कहीं गुजार लूँगा पनशेर में, वहाँ के हालात का मुझे पता नहीं था, और उसके बाद फिर मैं आगे चला जाऊँगा। लेकिन और अभी अब सालंग पास करने का यही फ़ायदा है कि इस टाइम क्योंकि जो गर्मी है वहाँ ऊपर बर्फ़ है, तो हमारा जो है सफ़र आज अच्छा गुजर जाएगा ताकि सुबह सुबह फिर हम आगे अपना कंटिन्यू कर सकेंगे। ये सालंग पास जो है ना, एक दफ़ा तो गाड़ी की हालत ख़राब कर देता है, ये तकरीबन 30 से 30 to 40 किलोमीटर्स का ये है सालंग और सालंग पास। अभी हम सालंग में से गुजर रहे हैं सालंग पास, अभी हम उसमें एंटर हुए हैं सालंग पास में, और यहाँ पे जो है गाड़ी एक दफ़ा यहाँ पे एक दफ़ा खाना भी ख़त्म हो जाता है और गाड़ी भी जो है उसका भी हशर नशर हो जाता है। वाह, उसके पास इसमें कितने साइकिल हैं इस ट्रक में। ये हालत है होती है सालंग पास पे, कि तो अभी आंधी यहाँ पे आई हुई है और कभी कभार आगे से कुछ भी नज़र नहीं आता। नहीं, ये शुरू हो गया अब सालंग टनल, अभी 3-4 टनल जो हैं वो शुरू हो गई हैं, और वो मेरे वाइपर आगे जो है मेरा वाइज़र वो सारा मट्टी से इस टाइम वाइट हुआ पड़ा है, और सालंग टनल इज़ ब्रूटल। तो अब यहाँ से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं अभी कहाँ से हूँ। अभी हम उसके आई थिंक ऑलमोस्ट टॉप पे आ चुके हैं। सुना ये है कि चाइनीज़ ने ऑफ़र की है तालिबान को कि हम जो है ना यहाँ पे टनल्स बना के तो सालंग पास को जो है हम उसको यहाँ से ठीक कर देंगे, और मेरे ख्याल में उसके ऊपर काम हो रहा है। अगर वो हो जाए तो यार मैं कहता हूँ बहुत ही मज़ा आएगा, लेकिन फिर ये वाला जो एडवेंचर है फिर वो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो मज़ा है मिट्टी में, धुएं में, धूप में, तेज़ हवा में, खड्ढों में, पत्थरों में से निकलना, वो तो फिर नहीं रहेगा। नहीं जी, हम वहाँ से भी ऊपर आए हैं। लुक एट दिस, इतने आपको नज़र आ रहा है पूरा कि नहीं, लेकिन
मैं इस पूरे एज पे तो जा रहा हूँ। वाव, रवि चढ़ाई हमारी और जा रही है, वो देखें ऊपर। लोग सुरंग में तो नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे धुआं और मिट्टी से कुछ नज़र नहीं आता, और धुएं फिर वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। चल भाई चल भाई चल भाई, हम यहाँ बर्फ के ऊपर आ गए। तो हम इसके टॉप पे आ गए आई थिंक, और हमारे सामने आपको यहाँ पे ग्लेशियर भी नज़र आ रहे हैं। अब देखिए अंदर यहाँ पे धुआं कितना है, और ऊपर से ग्लेशियर का पानी पिघल के अंदर गिर रहा है सारा, तो पीछे सारा पानी खड़ा हुआ था। और अगर मैं अपना वाइज़र बंद करता हूँ तो उसके ऊपर फॉग जम जाती है, और अगर मैं उसको खोल के चलाता हूँ तो फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसे मैं दूसरी बार कर रहा हूँ इस सालंग टनल को। कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी सामने है। और इस टाइम जो है मुझे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। ये शुक्र है कि मैं ट्रकों से आगे निकल आया हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरे सामने कोई ट्रक नहीं है, वो डायरेक्ट धुआं मेरे मुंह में नहीं जा रहा, लेकिन धुआं जो इसमें खड़ा हुआ है पहले से। तो जी, मेरे पीछे यहाँ पे है सालंग टनल, इसको अभी हम क्रॉस करके आए हैं, और इससे क्रॉस आपका आवाज़ कोई, इसको अभी हम क्रॉस करके आए हैं इस टनल को। इसे क्रॉस करने के बाद जो हालत होती है हमारी, वो आप यहाँ पे आके देखें। ये हालत हुई है मोटरसाइकिल की, और ये हालत है हमारी। दिस इज सालंग। और हमारे आसपास यहाँ पे सारे बर्फ पड़ी हुई है, ग्लेशियर पड़े हुए हैं, और इस टाइम यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है। मेरे हाथ इतने जम गए हुए हैं ठंडी हवा की वजह से कि मैं अपने इस कैमरे को ऑन भी नहीं कर पा रहा था।
रोक के ग्लव्स उतार के फिर ऑन करना पड़ा। और अभी ठंड ऐसी लग रही है मुझे हवा की वजह से, और मेरे हाथ इस टाइम बिल्कुल काम नहीं कर रहे, मेरी गर्दन इस टाइम बिल्कुल जो है वो स्टिफ हो गई हुई है। यहाँ पर रुकते हैं तो ठंड में मरते हैं, और अगर नहीं रुकते तो हाथ और गर्दन काम नहीं कर रही। कोशिश में है कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ हम चलते जाएं। जब इसका मैंने किया था पिछले साल अगस्त में, उस टाइम इतना मसला नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम गर्मी थी और सारी बर्फ़ पहले पिघल चुकी हुई थी, और ऐसा मसला नहीं हुआ था। रोड सही थी लेकिन ठंड का मसला नहीं था और कीचड़ का मसला भी नहीं था। लेकिन अभी क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है और ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, सारी उससे अंदर हुई है सारी कीचड़ और ठंड। मेरे जी अब दाएँ हाथ पे देखे सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है। इस टाइम मेरा बाकी 63 किलोमीटर्स है, मेरी कोशिश है कि मैं सनसेट तक या उससे पहले खैर नहीं होगा, लेकिन सनसेट तक मैं इसे कर लूँ। तो अब खैर मौसम अच्छा हो गया, अच्छा मतलब कि अभी ऐसे गर्म हो गया तो इतना मसला नहीं है, रोड भी ठीक हो गई है। तो अब इंशाल्लाह जो है हम 60 किलोमीटर में पुले खुमरी पहुँचेंगे, लेकिन वहाँ जाके हमने पहले अभी होटल ढूँढना है। हमारे सामने आप इस गाड़ी में देखें पता नहीं कितने बंदे बैठे हुए हैं पीछे उसके जो है पीछे। مملکت اتریش 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 ترکیه بیلیوسن نام ول جواز کار کشور ولایت ول سوالی ول سوالی کیا ہے सियाह वर्षा का उधर हाँ कल के उधर वहाँ उधर ले जाऊँ तो वर्षा कुमाशा से अफजल आइए खामोश कर दिया इसको पोस्ट पे। यहाँ समझ ये भी खड़ी हुई है एक बख्तरबंद गाड़ी या जो भी है, वो सारे वहाँ से आ रहे हैं। आप ये हमारी आखिरी चेक पोस्ट आने वाली है, ज़रा अपनी हम लाइटें बंद कर लें, तैयारी कर लें ज़रा दोबारा फ़ोटो बनवाने के लिए और पेपर दिखाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम या पासपोर्ट। अच्छा ये कोई पेपर लेके आ रहा है, फिल कर रहे हैं, थोड़े से अब ऑर्गेनाइज हो गया लगता है। सो पासपोर्ट तस्किरा, अभी आ रहा हूँ मैं बामियान से। किधर जा रहे हो? बदख्शां। बदख्शां में लें जी, हम पुले खुमरी में तो पहुंच चुके हैं और अभी मैं ज़रा अपना एक होटल ढूंढ रहा हूं। यहां पे एक होटल देखा है मैंने। ये मैं यहां पुले खुमरी में पहुंच चुका हूं, अपना होटल यहां पे जो भी था पहला गेस्ट हाउस जो मुझे नज़र आया मैंने वो ले लिया। यहां पे मैं बिल्कुल थका हुआ था, नहा लिया मैंने, खाना खा लिया, और अभी सुबह का प्लान जो सुबह देखेंगे
मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। आज के दिन वैसे काफ़ी लंबा हो गया था, स्पेशली पहले वहाँ पे जो पंचेर के बॉर्डर पे वहाँ पे जो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी देर रोका था, उसके बाद सालंग पास जो था वो बहुत लंबा हो गया था आज, और उसके बाद वहाँ पे सारी मिट्टी और धुएँ की वजह से उसने मेरा सारा जो है ना होश मेरे सारे उड़ा दिए थे। तो मैं इस टाइम बिल्कुल ही थका हुआ हूँ, तो मैं रेस्ट करता हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का दिन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एज ऑलवेज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड देन आई विल सी यू टुमारो इन अफगानिस्तान फ्रॉम सम अदर प्लेस। अंटिल देन, अस्सलामु अलैकुम।